राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया गया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीश और वकील मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान समय में अपराध बढ़ रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि आमजन को त्वरित न्याय मिल सके। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान प्रदेश के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या मैं यूं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। कारण कि जब राज्यों का एकीकरण हुआ, विलीनीकरण हुआ, तो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी एक हुए, और जैसा आप सबको विदित है कि राजस्थान प्रदेश का निर्माण कई रियासतों को मिलाकर किया गया और उनकी सबकी अलग अलग उच्च न्यायालय थी। मारवाड़ स्टेट की भी अपनी एक उच्च न्यायालय थी और अंततः प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जोधपुर में राजस्थान प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना और इसका विधिवत शुभारंभ 29 अगस्त 1949 को किया गया। बहुत ही सुंदर दिन है और 75वें साल पर मैं एक बार फिर सभी मेरे भाई बहनों को, चाहे वो न्यायाधिपति हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायाधिपति हों, चाहे वो वकील भाई बहन हों, सभी को खूब सारी बधाई देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच में ये खुशी, हमारे बीच में ये सामंजस्य, हमारे बीच में ये प्यार और हमारे बीच में ये उत्साह, इस न्यायपालिका, इस विधि के जगत में हमारी यह उत्साह ऐसे ही बरकरार रहेगा।